हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय भानुवासिनी। आज मैंने सफ़ेद रंग पहना है। क्यों पहना है मालूम है आपको? मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। मैंने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है। सच बहुत कड़वा होता है, बहुत गंदा होता है, मुझे पता है, लेकिन सच सबको बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी सच की लड़ाई में साथ देंगे क्या, वो बताओ। मैंने कहते ना, सुशांत सिंह के साथ जो हुआ उसको भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि हमारे देश का, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के नेता सब कुछ बिक चुके हैं। हमने पूरे देश का, पूरे विश्व का बंदिश किया है। अब इस विश्व में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, प्लस ना यहाँ पे कोई गलत काम होगा। अभी देखिए करो, हमने 11 लाख जब करके 7-8 दिन में पूरा शहर खोल दिया। नॉर्मली सब खुल गया, अब स्कूल खुलने वाला है। स्कूल खुलने के लिए थोड़े नाटक किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल भी खुल जाए। हमने उसकी पूजा चालू रखी है। ये पूर्णिमा को लास्ट की पूजा पूरी होगी, पूर्णिमा के बाद पूरा रिजल्ट आ जाएगा। मैंने कहा था कि मेरा नहीं हुआ तो मैं अपनी मौत को गले लगाऊंगी, लेकिन आधे, बहुत सारे लोगों का सामान पहुंच गया, बहुत लोगों का बाकी है। लेकिन मेरे मन में पता है, जब मैं ऐसा सोचती हूँ मौत के गले लगाऊँ, तो मुझे रात को जब मैं सोती हूँ ना, सीधे तो मेरा बच्चा पेट में घूमता है, तो मुझसे एक ही सवाल करता है कि माँ, आप दुनिया के लिए मौत को गले लगाओगी तो मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया? आपको, आप अपने आप को मारोगी, मुझे मारोगी, उससे क्या सामने वाले का भला होगा? क्या सामने वाला और खुश होगा? आप सबको खुश कर रही हो और कुछ नहीं कर रही हो। तो मैंने सोचा है कि भाई इसको जन्म देना है ना, दूंगी, मैं कैसी भी दूंगी, मेरी प्रॉब्लम है। मैंने कभी किसी पे ब्लेम नहीं डाला, क्योंकि देखो मैंने परसों की वीडियो बनाई थी, उसको मैंने डिलीट कर दी। बहुत सारे लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर डर आ जाता है कि क्या होगा। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे किसी ने ये कहा कि तुम अगर इतनी बड़ी पुजारी हो ना, मतलब तुम हो ना, तुम्हें विश्वास है ना सामने वाला गलत है, छोड़ दो ना सब, भगवान पे देगा वो सजा है ना। यहाँ पे जो YouTube पे बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं, अगर सच में सामने वाला गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। तुम क्यों कर रही हो? तो मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे तो इस देश के कानून पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो तो जो करेंगी करेंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ, ये तो है कि पैसों से सब करने से अच्छा, तो मैं ये भूल जाती हूँ, भूल गई कि मेरी माँ बगलामुखी हैं, वो आएंगी। मैंने आपको एक दिन रात को मैंने वीडियो बनाया था, याद है आपको, मैंने पिक्चर बताई थी। उसमें एक भक्त डेली कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाता था, ये मन में रख कि एक दिन कामाख्या माँ आएंगी, एक दिन कामाख्या माँ आएंगी खाना खाने। उस खाना खिलाने के चक्कर में उसने अपना पूरा घर बेच दिया। जहाँ घर गिरवी रखा, उस साहूकार ने क्या किया, 6,000 के 60,000 बना दिया और कोर्ट में केस कर दिया कि ये पैसा मेरा रिटर्न नहीं कर रहा, मैं इसका घर ले रहा हूँ। तो उसने वहाँ क्या, और ऊपर से ये लांछन लगाया कि जो कुंवारी कन्याओं को खाना खाने बुलाती है, ये कुंवारी कन्याओं को खाना खाने बुलाता है, ये उनका यौन शोषण करता है, मतलब उनके साथ गलत करता है। तो वो उसने क्या कहा मालूम है आपको? उसने ये कहा कि मैं माँ कामाख्या के नाम से खाना खिलाता हूँ, तो मेरी गवाही देने माँ कामाख्या आएंगे, मेरा सच लाने माँ कामाख्या आएंगे। तो ऐसे मैं भी कहती हूँ कि मेरी सच्चाई लाने माँ कामाख्या आएंगे, मेरी सच्चाई लाने माँ बगलामुखी आएंगे। आपको पता नहीं है, उस वक्त सच हुआ था ये, जब वो जज बैठा था, कुछ कर रहा था, तो उसकी माँ का रूप लेके माँ कामाख्या आती हैं और उसके पास आके बैठ के बोलती हैं कि बेटा, तुझे लगता है जो तूने इंसाफ किया वो सच है? तो बोलता है हाँ। तो उसको लकवा मार जाता है। फिर वो बोलते हैं, तुझे लगता है ये इंसाफ तूने जो किया, अगर तुझे गलती मानता है? तो बोलता है हाँ, मैं मानता हूँ, मेरे से गलती हो गई। फिर उसकी माँ चली जाती है, बोलती है हमेशा सुखी रहे। और जब वो जाता है तो एक्चुअली उसकी माँ बीमार रहती, बिस्तर पर रहती डॉक्टरों के बीच में। तो वो माँ को जाके बोलते हैं, माँ अभी तो आप मेरे पास आई थी कोर्ट में, अभी बीमार कैसे हो गए? तो डॉक्टर्स बोलते हैं, वो तो यहाँ से उठी नहीं। तो उसे याद आता है उस आदमी की बात कि मेरी माँ कामाख्या आएंगी, माँ कोर्ट तक पहुँच गई थी, समझे? मैं बताती हूँ, जब केशव के पापा पे केस था ना, जब जिस दिन उनकी बेल हुई थी ना, उस दिन मेरी बा ने कहा था एक दिन पहले, कल बॉडी वाला शख्स ही पुलिस वाला होगा, बॉडी वाला शख्स ही जज होगा, बॉडी वाला शख्स ही वकील होगा, सब बॉडी वाले शख्स होंगे और देख लेना मुँह की लाली तेरी चमकेगी। और उस दिन मैं मखदूम शाह बाबा दरगाह गई थी, पूरे 8 महीने बाद दरगाह खुली थी और मैंने पैर रखा था और मेरे बाबा ने चमत्कार दिखाया था, एक नहीं दोनों भाइयों का बेल हो गया था। वैसे ही मैं आज कहूँगी, मुझे किसी ने कहा ना
किसी ने मुझे चैलेंज किया, हे माँ बगलामुखी मुझे किसी ने चैलेंज किया, तेरे भक्त को किसी ने दिखाया, उन किसी को विश्वास नहीं है कि तू मेरे साथ है। मैंने बचपन से माँ काली की पूजा की है, बचपन से सिर्फ तेरा सहारा है। तो मैं ये चाहती हूँ हे माँ, जिस तरह सफ़ेद कपड़े पे कहते हैं ना, सफ़ेद कपड़ा एकदम बेदाग होता है, इस पर कोई दाग नहीं होता, ऐसे मेरी सच्चाई बेदाग है, मेरा केशव बेदाग है। तो ये पूर्णिमा तक हे माँ बगलामुखी, हे माँ धूमावती, हे माँ काली, मैं आप तीनों का आवाहन करती हूँ। हे माँ कामाख्या नील पर्वत वासिनी, तू नील पर्वत पे बैठी है ना माँ, कामाख्या मतलब योनी पूजा होती है, तेरी योनी से तो प्रकृति का संचार हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर औरतों का वो योनी नहीं होती, मतलब कहते हैं आपने वो संचार करता बताया है, हम औरतों को सबसे बड़ा उद्धार करता बताया। अगर हम औरतें नहीं होती तो सृष्टि बनती ही नहीं, सृष्टि आगे बढ़ती नहीं, संचार आगे बढ़ता ही नहीं। तो हे माँ कामाख्या, मैंने आपके यहाँ आके दीक्षित ली हूँ माँ, मैं आवाहन करती हूँ आप लोगों का, मैं आवाहन करती हूँ कि हे माँ, मैं कल मंगलवार से जितना जाप हो सकेगा, मैं जाप की कोई गिनती नहीं बताऊँगी माँ, मैं आपको बुला रही हूँ, आओ माँ, अपनी बेटी की लाज रखने आओ माँ, अपनी बेटी की मुँह की जीवा की सच्चाई लाने आओ माँ। हे माँ बगला मुखिया, आज मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि सच की दुनिया ने इस कलयुग में आपको इनडायरेक्टली, इस कलयुग में इनडायरेक्टली आपको चैलेंज किया जा रहा है कि माँ है तो आए। हे माँ कामाख्या, जैसे आप उस भक्त की रक्षा करने कोर्ट में पहुँच गई थी, तो आप तो किसी का पुलिस का रूप भी धारण कर आ सकती हो माँ, आप तो किसी को पागल भी बना सकती हो माँ, अपनी सच्चाई सब कबूल कर सकते हो ना। इस कलयुग में इस भक्त का मान रखने आओ माँ। मैंने बचपन से हमेशा से माँ विंध्यवासिनी की पूजा की है। हे माँ विंध्यवासिनी, कल ही मैंने आपकी फ़ोटो देख के रो रही थी ना कि माँ आपके रहते सब मुझे तकलीफ दे रहे हैं। आओ माँ, मैं आप लोग का आवाहन कर रही हूँ, आओ माँ। और इस पूर्णिमा तक सबको, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई कानून की सज़ा नहीं चाहिए। अब ये सज़ा दोगी आप, अगर मैंने इतने सालों में निस्वार्थ मन से, तन मन धन से अगर आपकी पूजा की होगी ना माँ, तो आप ज़रूर आएंगी, आप ज़रूर आएंगी, नहीं तो मैं समझ जाऊँगी कि आप हो ही नहीं। मुझे पता है आप किसी का भी रूप लेके आ सकती हैं, कुछ भी करके आ सकती हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कल मैंने केशव के पापा को सामने से कहा कि आप गलत का साथ दे रहे हो, गलत के बातों पर मुझसे बात कर रहे हो। उन्होंने मुझे कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा तुझे जो करना है तू कर, लेकिन इस तरह से YouTube पे मत बोल, तुझे जो करना है कर YouTube पे मत बोल। लेकिन मैं क्यों नहीं बोलूँ, लेकिन उन्होंने सही कहा, मैंने उनको यही कहा, तुम चाहते हो ना, तुमको लग रहा है तुम्हारे परिवार का नाम आ रहा है, वो लोग गलत, क्योंकि देखो इंसान का परिवार गलत हो चाहे सही हो, आदमी परिवार का साथ देगा। उन्होंने साथ तो नहीं, उन्होंने क्या कहा, तुझे जो करना है कर, अगर सच में आदमी गलत होगा तो। उन्होंने एक ही बात समझाई कि तू भगवान पे छोड़ देना, तू तो इतनी बड़ी पुजारी है ना, छोड़ दे भगवान पे, वो सज़ा देंगे, उन्होंने अपने मुँह से कहा। तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, मैंने माँ की तरफ देखा, माँ देखो ये क्या कह रहे हैं, जिसको बचाने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ रही हूँ, ये कह रहा है कि आपको चैलेंज कर रहा है, ये आपकी ताकत को चैलेंज कर रहा है कि आप हो ना तो सज़ा दो, आप हो ना तो सज़ा दो। और मुझे पता है मेरी माँ बगलामुखी सज़ा देंगी, अगर केशव के पप्पा भी गलत होंगे ना तो सज़ा देंगी, जिह्वा खींच लेंगी। मैंने कल एक ही बात कहा उन्हें, ठीक है मैं गलत हूँ आप सही हो, बोलते मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो मैंने यही कहा उन्हें कि कोई बात नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आज से किसी का भी नाम YouTube पे नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी, ना घर पे, ना बाहर, ना कहीं लूँगी नाम। मैं बस आपको चाहती हूँ कि आप मुझसे रिश्ता तोड़ लें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी YouTube पे आज से, मेरी माँ पे छोड़ती हूँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगी आज से YouTube पे, क्योंकि मैं गलत हूँ ना, ठीक है गलत लोग सही है ना आपकी नज़र में, सही बात है, ठीक है मैं आज से कभी नाम नहीं लूँगी। एक शर्त है मेरी, एक ही शर्त है, क्योंकि मैं गलत लोगों के साथ नहीं रहती, झूठों के साथ नहीं रहती जो मुंह पे पलट जाए। तो आज से आप मुझसे और मेरे केशों से रिश्ता तोड़ लीजिए, पूरे YouTube पे बोल रही हूँ, मेरे से और मेरे केशों से रिश्ता तोड़ लीजिए। अगर मेरा बच्चा हो भी गया तो आप मेरे बच्चे को देखने नहीं आएंगे, मुझसे बात नहीं करेंगे, मुझसे रिश्ता नहीं, क्योंकि मैं कोरे कागज़ की जैसी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे पप्पा ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मेरी माँ कामाख्या ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मैं जो मेहनत करती हूँ मुझे पता है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं क्यों साथ छोड़ूँ,
मैं नहीं छोड़ूंगा साथ, जा तुझे जो यूट्यूब पे बोलना है बोल, उन्होंने डायरेक्टली कहा तुझे जो बोलना है यूट्यूब पे बोल, क्योंकि मैं उनको सामने से काम उनको आज़ाद कर रही हूँ कि तुम जाओ रहो अपने परिवार के साथ खुश, मेरी दहलीज पे दोबारा आना नहीं, मेरे से बात करना नहीं, मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया, मेरे केशों से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, भले बच्चा तुम्हारा है लेकिन मेरे केशों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मेरा बच्चा कल हो परसों हो नरसों हो जब भी हो, बच्चे की खबर यूट्यूब पे जाए तुम मेरे बच्चे को देखने मत आना, मेरे से बात नहीं करना आजीवन, ये तुम्हारे परिवार की शर्त है तुम्हारे परिवार को अलग कर बचाने की। तो उन्होंने बोला ये मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, तुझे जो YouTube पे बोलना है। मैंने बोला अगर ऐसे करूँगा मैं YouTube पे बोलूँगी, फिर बोलते तुझे जो बोलना है YouTube पे बोल, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, मैं क्यों जाऊँ। तो ये उनकी मर्ज़ी, मैं आज भी अभी भी बोलती हूँ, उनके परिवार तक ये मैसेज पहुँचाती हूँ कि आपको लगता है ना मैं गलत हूँ, आपको लगता है ना मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो मैं ये तकलीफ़ हटा दूँ आज, कभी मैं आप लोगों का नाम नहीं लूँगी, आप बोल दो केशव के पापा को आज से मुझसे बात नहीं करें, मेरे घर पे नहीं है, मेरे केशव से कोई मतलब ना रखे, ज़िंदगी में मेरा केशव हो जिए मरे या मैं जीऊँ मरूँ मेरे घर से मुझसे कोई मतलब नहीं रखे, बस बाकी मेरी माँ बगला मुखी देखेंगी। और ये बात मैं बोल रही हूँ कि हे माँ बगला मुखी, हे माँ विंध्यवासिनी, मैंने हमेशा सबको माफ़ किया, ये मैं कुछ करने वाली नहीं थी, मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, ये जो पुलिस का प्रोसीजर होता 30 जुलाई को आरिफ के साथ होता, ये जो लोगों का नाम है उनको गिल्ट दिला रही थी कि गिल्ट समझो कि तुम लोगों ने जो गलती की नहीं करनी चाहिए थी, मैं सबको एहसास दिला रही थी, लेकिन एहसास में ही कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका आ गया, सामने वाले ने खुद ब खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया, सबको दिखता है मेरी विद्या, कहते ना सच हमेशा कड़वा होता है और बहुत चुभता है। ये देखो मैंने अपनी कल माँ काली का टैटू बनवाया, दिख रहा है आपको, देखो मैंने मंत्र भी लिखवाया पूरे, दिख रहे हैं, ये मंत्र लिखने का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, ये मंत्र लिखने का मतलब ऐसा होता है कि माँ मेरे खून में बस चुकी हैं, अब माँ अंदर है मेरे, जो करेंगी जो सत्य, मैं जो बोलूँगी वही सत्य होगा, तो हे माँ बगला मुखी तू आएगी ना इस विद्या देवी की लाश रखने, तो आएगी ना, तूने मेरा नाम विद्या रखा है ना, तेरी परछाई हूँ माँ मैं, तेरी बेटी हूँ मैं, हमेशा तेरा पल्लू पकड़ के चली हूँ, तू आएगी ना मुझे बचाने, तू आएगी ना सच लाने सामने कि नहीं आएगी, इस ये दुनिया में सबको मेरी बातें डायलॉग लग रही होगी लेकिन नहीं, एक भक्त की विश्वास है तुझे मेरी लाज रखनी होगी, तेरे भक्त को चैलेंज किया गया है कि तू है कि नहीं है माँ, मैं इस पूर्णिमा तक, ये पूर्णिमा आज एकादशी है, बहुत बड़ी निर्जला एकादशी है, कहते हैं आज ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते सारे कष्ट दूर हो जाते, कल से लगेगा बगला मुखी का दिन मंगलवार से शुरू होता है और 4 दिन बाद पूर्णिमा है, मैं चाहती हूँ माँ ये पूर्णिमा तक तू दूध का दूध पानी का पानी कर दे, सब सच ला दे माँ सामने, मैं बोलती हूँ जो लोग मेरे को बोल रहे ना, जिन लोगों ने मेरे बारे में जो लोगों ने बोलते ना कि ये गलत है, अगर जो लोग गलत हैं अब उनको सज़ा तू देगी, चाहे देश का दुश्मन हो चाहे गोराई का दुश्मन हो चाहे मेरा दुश्मन हो चाहे किसका भी, उनको सज़ा तू देगी, जिन्होंने गलत बोला उनके मुँह से खून की उल्टियाँ हो उनके घर पे, जो मेरे केशों के पीछे पड़े ना जिन्होंने कहा ना केशो है नहीं है, उनके घर में बच्चे हैं ना, हे धूमावती माँ उनके घर में बच्चे हैं ना, तू तो बच्चों का वरदान देती है, तू तो बच्चों को उठा भी सकती है ना, उठा ले उनके बच्चों को, पता चलेगा, मुझे नहीं मालूम कौन है, मैं आज खुद बोलती हूँ मुझे नहीं पता कौन है इस गुनहगार में, शायद मैं जिनका नाम ले रही हूँ गुनहगार ना हो जो कोई और हो, तो मैं चाहती हूँ माँ जो भी गुनहगार हो, हे माँ बगला मुखी, हे माँ धूमावती, हे माँ विंध्यवासिनी, जो भी गुनहगार हो उसको सजा कूदे, जिस तरह मेरे एक बच्चे के पीछे पड़े, जब उनका बच्चा उनकी गोद से जाएगा, जब उनकी कोख सुनी होगी तब तो पता चलेगा ना, उनको नहीं पूरी दुनिया को पता चलेगा ये आदमी गलत था, है ना, जब उनके घर में जिस तरह से मुझ पर लांछन लगा गया है तो हो तो सकता है ना माँ बगला मुखी, तू तो किसी का भी रूप लेके आ सकती है सच सामने लाने, नंगा नाच तो हो सकता है ना, जिस तरह से मुझे बच्चलन कहा गया, मुझे नाजायज औलाद की माँ कही गई, उस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना, क्योंकि अननोन नंबर से फ़ोन आते हैं और बाद में आदमी पलटी खाता है, तू उसको देगी ना सज़ा, तू तो देगी ना, तू तो जाके थप्पड़ मारेगी ना, उसकी इतनी तबीयत तो खराब, कम से कम उन लोग की तबीयत इतनी तो खराब कर दी कि हॉस्पिटल में कम से कम 5 लाख रुपये खर्चा कर सकें, मैं ये चाहती हूँ माँ पूर्णिमा तक उन सबको हॉस्पिटल पहुँचा जो जो इस पाप में शामिल थे, चाहे कोई भी हो, एनीवन कोई भी हो माँ उन सबको पहुँचा, और जिसने जिसने मेरे बच्चे तक आए ना माँ उन सबकी कोख तू सुनी करेगी, उनकी कोख तू सुनी कर, तब उनको पता चलेगा कि कम किसी के लिए बोलना कितनी बड़ी बात है,
हेमा बगलामुखी, मैं चाहती हूँ, मैं आज से हम लोग पूजा शुरू कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि देखना चाहती हूँ कौन कौन मेरे इस पूजे में साथ देता है, इस सच्चाई में कौन कौन साथ देता है जो इस देश का है सब कुछ है। मैं मेरे को बताओ, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजो कि हाँ माँ हम आपका साथ देंगे, यूट्यूब के मैसेज में लिखो हाँ माँ हम आपका साथ देंगे, लिखो, मैं सबको बताऊँगी तरीका कि कैसे करना है। कोई तरीका नहीं, माँ बगलामुखी का मंत्र करो बस, ओम लीम बगलामुखे सर्दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय लीम ओम स्वाहा, बुद्धि स्वाहा जिह्वा स्वाहा, कहते ना बुद्धिनाशय लीम ओम स्वाहा, सब कुछ स्वाहा कर दो माँ, उनका दिमाग काम ना करे, उनकी मति काम ना करे, जो ना सोचा वो करे। ये खुला चैलेंज है आज मेरा, माँ मेरी लाज रखना बस, और जो जो मेरा इस पूजे में साथ दे रहे हैं, मेरी पूरी टीम साथ दे रही है, मैं चाहती हूँ कौन कौन मेरा साथ देता है बस इस कमेंट बॉक्स में लिखो और व्हाट्सएप पे भेजो, मैं उन्हें बताऊँगी तरीका। क्योंकि देखिए मेरे पास सबूत नहीं है ना शायद, लेकिन उन माँ के पास तो सबूत है ना, बगलामुखी माँ के पास, वो तो आएंगी ना कोई रूप लेके, वो तो आएंगी पुलिस का रूप लेके, वो तो आएंगी किसी न किसी का रूप लेके भक्ति की लाज रखने आएंगी ना, मुझे पूरा भरोसा है मेरी माँ आएंगी, मुझे पूरा भरोसा है मेरी माँ बगलामुखी आएंगी और ज़रूर आएंगी, और इस तरह से तमाचा मार के जाएंगी ना कि हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। बस जय माता दी।